आज माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो ये जनहित याचिका लगी थी उस पर सुबह से 10 बजे से सुनवाई चल रही थी और लगभग 2-3 दौर के बाद उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी और तमाम मतलब जो बात रखी गई कि हड़ताल से जो मतलब परेशानी हो रही है और जो कर्मचारियों पर मतलब विक्टिमाइजेशन है, सभी प्रकार के एसएमए के तहत केस दर्ज हैं या सस्पेंशन है, डिसमिसल है, सभी प्रकार के वो आदेशों को निरस्त करते हुए और हड़ताल की हमने कॉल ऑफ के लिए ये कहा कि भाई हम अभी 5 बजे अपनी रोहतक के अंदर तालमेल कमेटी की बैठक करेंगे और कोर्ट को हमने आश्वासन दिया है कि उसमें हम बिल्कुल जो कोर्ट ने आदेश करे हैं उनको मानते हुए कल सुबह 10 बजे से मतलब जो है हमारी हड़ताल जो खुलेगी और सभी कर्मचारी ऑन ड्यूटी होंगे, चाहे वो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों से सभी केस वापस लेने की बात की गई है। तो जो आपने कहा था कि जो नीति पर पॉलिसी पर स्टे लगाया जाए, कोर्ट ने कहा कि बिना सुने हम नहीं कर सकते, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम से संतुष्ट हैं जो आज कोर्ट में? हाँ, देखिए मतलब आज जो माननीय कोर्ट ने हमें आदेश दिया और आश्वासन दिया है, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि कोर्ट पे न्यायालय पे आप विश्वास रखिए और जो हमने स्टे की बात की थी कि इस पॉलिसी को कम से कम कोर्ट स्टे करे, लेकिन माननीय जज साहब ने इस बारे में ये कहा कि इसको सुनने के बाद 12 तारीख, अभी 14 तारीख लगी है, तमाम सभी मांगों पर भी और इस पॉलिसी के ऊपर भी मतलब 10 दिन के अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 14 तारीख से इस पर सुनवाई होगी और सरकार से भी जवाब लिया जाएगा और इन बिटवीन सरकार को भी आदेश किए हैं कोर्ट ने कि वो भी बैठक करके यूनियन नेताओं के साथ इन समस्याओं का सभी का हल ढूंढे। सर, ये भी कोर्ट ने कह दिया कि सुबह 10 बजे तक हड़ताल नहीं खुली तो आदेश रद्द समझे जाएंगे, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी लगता बढ़ गई आज सारे आप शाम को बात करेंगे यूनियन? हाँ बिल्कुल, हमारी जिम्मेवारी भी और कोर्ट का सम्मान करना ये सबकी जिम्मेवारी है, बिल्कुल सम्मान होगा, जो हमने कहा है और कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनको बिल्कुल इंप्लीमेंट किया जाएगा और तालमेल कमेटी शीघ्र ही 5 बजे बैठ करके मतलब इस पर चर्चा करके और सुबह पूरे हरियाणा के अंदर जो 18 दिन से पब्लिक को भी काफी परेशानी हो रही थी और ये सरकार की वजह से थी, मतलब हम बार बार कहते थे कि सरकार एडमंट रुख ना अपनाए, वो कम से कम टेबल पर आए और समस्याओं का हल करे। आज माननीय कोर्ट ने भी तो कोई बड़ी बात नहीं की, उन्होंने भी ठीक तरीके से हमारे को सुना है, बड़े अच्छे ढंग से सुना है, कई बार हमारे को समझाया भी है और सुना भी गया, हमारे पक्ष को भी सुना गया है, तो इसलिए ये सारी की सारी दिक्कतें दूर होंगी और कल 10 बजे से तमाम कर्मचारी, चाहे वो 2016 चाहे प्रोबेशन पीरियड का कोई भी कर्मचारी, एज इट इज जो 4 तारीख से पहले जो स्थिति थी वो सभी किसी वापस होती है, सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटियों पर होंगे और जनता जो है एक दिवाली के लिए ये मैं भी कहूंगा कि जनता को मतलब ये बधाई कि जनता ने जो हमें सहयोग दिया, तमाम कर्मचारी संगठनों ने जो सहयोग दिया, तमाम जन संगठनों ने जो सहयोग दिया, उनका हम तालमेल कमेटी की तरफ से पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं और पूरी जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जनता की जो ट्रांसपोर्ट है इसको बनाए रखने के लिए जो जनता ने सहयोग दिया, आगे भी हम इसी प्रकार से मिलकर के जनता के साथ आगे बढ़ेंगे और जनता को अच्छी सुविधा रोडवेज देगी। ठीक है।